नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं पीएम अफो न्यूज। इस समय लोकल बस स्टैंड हिसार पे खड़े हैं। एक झगड़ा लोकल बस स्टैंड पे हो रहा है, बसीज के अंदर, बसीज के जो ड्राइवर है, बस के संचालक हैं उनके बीच और मालिकों के बीच और ऑटो ड्राइवर्स के बीच में झगड़ा क्या है, बातचीत करेंगे और पूरी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। हमारे साथ में एक बस संचालक खड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले मैं परिचय करा दूं, मैं राजवीर सिंह, सिटी बस सर्विस आधार हॉस्पिटल। मैं सभी को नमस्ते कर रहा हूं इस बारे में और अवगत करा रहा हूं कि जो आज सुबह हम अपनी बस को बस स्टैंड से बाहर निकाल रहे थे तो कुछ ऑटो चालक 15 से 20 जो हैं उन्होंने हमारी बस को घेरा और हमारी सवारी उतार के ना सभी ऑटो में शिफ्ट कर दिए और हमारी बस को नहीं जाने दिया, हमारा टाइम मिस करवा दिया। और हमारे पास सेक्रेटरी का बिल्कुल लेटर है, ये यहाँ जो ऑटो चल रहे हैं GM साहब को और RTA साहब को भी इसके बारे में हमने लिख के दिया कि भाई आप इन ऑटो को बाहर निकालिए, ये इलीगल है। हम यहाँ अड्डा फीस देते हैं, रोड टैक्स देते हैं और निगम का टैक्स देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार और प्रशासन इन ऑटो को अनदेखी कर रही है और इनको अंदर से संचालन करवाया जा रहा है। हमारा सरकार से बार बार निवेदन है कि इनको बाहर निकाला जाए और एक लॉ और कानून प्रक्रिया के अनुसार चलाया जाए। आपने जो पत्र ले रखा है ये क्या है? ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मैंने एप्लीकेशन दे ही थी हाईकोर्ट में, मैंने आदेश डाला था कि भाई इनको ये इलीगल है, इनको बाहर निकाला जाए। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार ये बिल्कुल सेक्रेटरी साहब ने मान लिया भाई इलीगल है और इनको बाहर निकाला जाए, लेकिन आज तक इस लेटर के अकॉर्डिंग किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं की गई है। मेरा प्रशासन ने अनुरोध है कि इस ऑर्डर को जल्द से जल्द लागू करवाया जाए और बसों को सुचारू रूप से चलाया जाए। इसलिए हमारा प्रशासन से बार बार अनुरोध है कि इन ऑटो संचालकों को और ऑटो को बस स्टैंड गेट से बाहर करने का काम करने का कष्ट करें। आपने सुना, बस संचालक हैं जिनका कहना है कि जो ऑटो ड्राइवर्स ऑटो खड़ी करते हैं लोकल बस स्टैंड हिसार के अंदर, वो इलीगल तरीके से खड़ा करते हैं और इनके अनुसार इन्होंने एक पत्र हमें दिखाया कि इसमें ये लिखा हुआ है कि ये ऑटो चालक जो है यहाँ नजायज़ खड़ी करते हैं, इनको बाहर निकाला जाए और बस का संचालन जो है ठीक तरह से सुचारू रूप से यहाँ बस स्टैंड से करवाया जाए। हम ऑटो चालकों से भी बात करेंगे और आपको रूबरू करवाएंगे आखिर मामला क्या है। ने आज का नहीं है, ये पहले बस आने से पहले सिटी बस सर्विस, उससे पहले ये लोकल बूथ थे गांव के मध्य जो मार्ग जाते हैं उनके लिए इन्होंने ये बूथ बनाया गया था और यहाँ से सिर्फ लोकल बसें ही वो संचालन करनी है जो गांव की तरफ हर मार्ग पर जा रही है, लेकिन सिटी बस के लिए जब भी अप्रूवल डाला गया है वहीं से चलाई गई है, वहीं से संचालन किया गया है। मतलब सिटी बस का अप्रूवल वहीं से ही है? यस बिल्कुल, लेकिन बाद में हरियाणा रोडवेज ने दवेश की भावना से दो बूथ को गांव को यहां से काट के ने और धक्काशाही से यहां बूथ बना दिया गया। और अब तो ये भी है आप उनकी सवारियों को ले जाते हैं? सर हम सिर्फ 10 रुपये किराया लेते हैं, सवारी अपनी मर्जी से सिटी बस में आके बैठती हैं, हम किसी से भी कोई सवारी नहीं छीनते, हम सिर्फ हमारा जो सरकार ने हमारे को दायित्व सौंपा गया है हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। 20 रुपये लेते जब उतर गया और ऑटो संचालक यहाँ से 20 रुपये और 30 रुपये और 40 रुपये यात्री से लेता है जिससे वो उस भय से हमारी बसों में आ जाते हैं, लेकिन हम उनसे किसी प्रकार की कोई छीना चपटी नहीं करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट, हाँ जी, क्या कहना चाहते हो आप? ये आपके सामने ये देख लो, ये देख लो जी, बस ये खड़ी है सामने, आपके सामने ये बैठी हुई सवारी के बीच के अंदर खड़ी करके बीच के अंदर और आवाजें मारते हैं। बूथ इनका देख लो, वहाँ है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रधान हूँ, मान सिंह दुग्गल नाम मेरा। ये बसों वालों ने इतना गदर फंड मचा रखा है कि पूछो मत, हमने RTO को, TM को, GM को और DC मैडम को, कमिश्नर को, सबको एप्लीकेशन दे दी, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि ऑटो चालक यहाँ नजायज खड़ी करते हैं, आप कहते हैं कि यहाँ बसें नजायज खड़ी करते हैं। 40 साल 50 साल से हम यहाँ खड़े हैं, 50 साल से हमारे को कोई यहाँ से नहीं निकाल सकता, निगम ने ये हमारा बना करके दे रखा है। ये
सेट बना के दे रखे पूरा, इनके पास कुछ भी नहीं, इनको बूथ दे रखे हुआ, ये भी नगर निगम ने बूथ दिया था, उससे मना नहीं करा इन्होंने। अभी इस जीएम से पहले मैडम जीएम आई थी, उसने इनको वहाँ लगाया दो दिन, कुछ भी नहीं बोले, और अब ये दादागिरी से लगा रहे हैं यार। ये कह रहे हैं कि लेटर दिखा रहे हैं बार बार कि लेटर के अंदर लिखा हुआ है सर, वो पेंडिंग है, वो केस पेंडिंग पड़ा है जी, इसके सामने इसके वकील को धमका दिया था जज ने धमकाया था, बोला कि ये 40 साल से रह रहे, तुम 1 साल से यहाँ करके कब्जा कर रहे हो। इसका वकील ने ये कहा था जज को, भाई इनको नोटिस दे करके ना आठ वालों को बाहर निकालो। तो जज साहब ये बोले ये 40 साल से आ रहे थे और ये 1 साल से आए हैं, ये कैसे निकल जाएंगे यहाँ से एकदम, तो हमारा तो 40 साल से यहाँ है जी। ये सेट आपके ऑटो के लिए बनाया गया है? हाँ, ये ऑटो के लिए सेट सरकार ने बना के दिया है हमारे को, सरकार ने ऑटो को बना के दिया है, अभी ऑटो वाले यहाँ रहेंगे, आने जाने वाले गर्मी ना मरे, बारिश में ना भीजे, और इनको वो दिया हुआ 6-7 नंबर बूथ, वहाँ कमिश्नर साहब आए थे, डीसी मैडम सब ने वहाँ मिल करके दिया है, और मेयर साहब गौतम सरदाना खुद वहाँ दे करके गए थे, बोला अगर खड़ी करेंगे तो वहाँ करेंगे, नहीं तो इनको यहाँ खड़ी करने मत दो, मगर ये दादागिरी से यहाँ खड़े हैं जी। आज अब सवेरे भी हमारी सवारी उतारी इन्होंने, इसलिए हमने इसका पुलिस घिराव किया था। अब देख लो आपके सामने ये यही लगाते हैं बस, और यह बीच में खड़ी कर लेते हैं आकर के, ने ये हमारा जीर्णा दुरुपर कर रखा, अभी तक एक भी चक्कर नहीं मारा है। तुम्हें बाहर निकाल देंगे, तुम्हें बाहर निकाल देंगे, ये रोज गाड़ियाँ देते हैं, इनको बाहर निकालेंगे हम तुम्हारे को गाड़। हाँ ये लो, ये आ जाते, बताओ 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 बताओ, ये है ना बीच के अंदर ना, यहाँ पर खड़ी करके भरते हैं बसें बसें, और यहाँ पर सवारियाँ बैठी होती है ना, तो उसको कहते हैं 5 रुपये 10 रुपये 5 रुपये 10 रुपये, आ जाओ बस के अंदर बिठाते हैं, इनकी दादागिरी है। जब तक सवारी कहते हैं कि आप लोग 20 रुपये लेते हैं 30 रुपये लेते हैं, और वो बस वाले 5-10 लेते हैं, इसलिए सवारी अपने आप आती है। नहीं आती जी। सवारी अपने आप नहीं आती, सवारियाँ ऑटो के अंदर बैठी हो तो वो अपने आप बुला आवाजें मार के बुलाते हैं। हाँ सवारी अपना ठिकाना पे लगाओ बस, ये अपने बूथ पे चली जाओ, हमें कोई इतराज नहीं है, चाहे वो 5 रुपये में जाओ चाहे वो 10 में जाओ, वो हमारे सिर के पास खड़े होकर यही आवाजें मारते हैं, जब तक वो सवारी उतर ना जाए, आके सवारी उतारते हैं तो देखा तक चुप नहीं होते, बच्चे हमारे भी है। ये देख पा रहे हैं तमाम मामला आज आपको हम दिखा पा रहे हैं, बस स्टैंड हिसार का जहां लोकल बस स्टैंड है, ऑटो चालकों का कुछ कहना है और बस संचालकों का क्या कहना है, क्योंकि बस संचालक ये कहते हैं कि परमिशन है हमें यहां से बस भरने की, और ऑटो चालक कहते हैं कि ये 40 साल से यहां पे ऑटो अपना चला रहे हैं, ऑटो के लिए सेट भी यहाँ पर नगर निगम ने बनवा करके इनको दे रखा है। तमाम बातों से आपको रूबरू करवाया, बने रहिए PM Info News से, मैं रण सिंह पवार।